नमस्कार दोस्तों, बड़वानी में प्रेस वार्ता के दौरान जयंत के संबंध में पूछे गए तीखे सवालों पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एक तरफ जहां भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा संपन्न की, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर की विधानसभा में जन आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में जुटी है, उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आइए जानते हैं विस्तृत रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बड़वानी पर आज शिवशंकर होटल में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता में 19/9/2023 यानी कि आज ही के दिन से शुरू हो रही जन आक्रोश रैली के संबंध में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा जानकारी दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जयस को कांग्रेस का डीएनए कहते हुए जयस आदिवासी युवा शक्ति संगठन को अपनी पार्टी का सहयोगी संगठन बताया था, किंतु इसके उलट बड़वानी जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो उसमें जयस समर्थित कार्यकर्ता पदाधिकारी को सूचना नहीं दी जाती है, जबकि जय संगठन मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बड़वानी जिले में भी अत्यधिक सक्रिय क्रियाशील संगठन है। इसमें उच्च शिक्षित आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना, यह जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, किंतु बड़वानी जिले में जय संगठन की अनदेखी की जा रही है, जो कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहीं भारी न पड़ जाए। यह तो आने वाले वक्त में आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बतलाएंगे। बहरहाल चुनावी सरगर्मी का ऊंट टिकटों को लेकर बड़वानी जिले की चारों ही सीटों पर भाजपा हो या कांग्रेस किस करवट बैठेगा देखने वाली बात होगी। ऐसे ही पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने आसपास की खबरों को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे समाचार को फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामने के साथ सहयोगी ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद। छह है उस रूट का और उस रथ की जो टीम लीडर जो होंगे उसके जो नुकसान हुआ है तो उसका कांग्रेस का दायित्व तो बनता था कि वो उन्होंने पुतला दहन वगैरह करा था, तो जयस के केले खाली संदीप नरगावे ने अपने जो है जांबाज बन के और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया, क्या ये कांग्रेस का दायित्व तो नहीं था कि उसका विरोध प्रदर्शन करते? मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा विलंब से आप लोगों के बीच में जो उपस्थित हुआ हूँ, मेरा पान्या के दुर्ग क्षेत्र के गाँव का आज का दौरा था, कल मेरा जो था वो बड़दा का था, ददवाड़ा का था और उसके बाद अभी पान्या से पिसोड़ा में नाव में जाकर देखकर जो आया हूँ, और मैं अकेला ही नहीं, ये हमारे जितने भी जो पदाधिकारी है जिनका डूब क्षेत्र जो एरिया लगता है वो सब अपने 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 तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार इतनी घमंडिया हो गई है कि किसी का असर नहीं पड़ता। जब लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोकतांत्रिक तरीके से अब जो नवंबर में जो चलेगा हथियार, तब उनकी आंखें खुल जाएगी कि ये सब हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। और जिस तरह से आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो सरकार चलाई, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पूरी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का और मतदाताओं का पूरा ध्यान है कि कब मध्य प्रदेश विधानसभाओं के वोट पड़े और अधिकतम हम विधायक कांग्रेस पार्टी के 150 से अधिक कांग्रेस पार्टी के हम विधायक जिताएं और कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। उस समय इनका जो घमंडिया जो नशा है सत्ता का जो नशा है वो चूर चूर हो जाए। तो जयस के और जितने भी पदाधिकारी उनको कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बायकॉट क्यों किया जा रहा है कांग्रेस? सुन लो, जयस का फुल फॉर्म जो है, जयस की जो डेफिनेशन क्या है, जय आदिवासी युवा संगठन, ठीक है। मेरा बेटा और मेरी बेटी भी आदिवासी है, तो मेरा बेटा और मेरी कार्यक्रम में बायकॉट हो रहा, मतलब जैसे आज कार्यक्रम था, इसी बार भी वहाँ कार्यक्रम था, वहाँ क्या अरे जैसे यहाँ बायकॉट हुआ, मतलब बुलाया नहीं गया जयस वालों प्रतिदिन को, उनका भी होना चाहिए, भाई कांग्रेस से समर्थित है वो। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ मिलके लड़े हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बोला, मेरा बेटा और मेरी बेटी भी है, तो वो क्या भाजपा को साथ दे देंगे? आज वो हमारे साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग जितने भी संगठन जो काम कर रहे हैं इसमें, और हम कोई मतलब इसमें समाजों में और इसमें हम बटना नहीं और पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदिवासी समाज का भाजपा ने जो नुकसान कराया है और जो नुकसान जो पहुँचाया है, 1,00,000 के पद खाली पड़े हैं, उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टीचर नहीं है,
स्वास्थ्य की बात करें तो डॉक्टर नहीं है, जो न्याय और हक और अधिकार जो मिलना चाहिए आदिवासी समाज को, युवा युवतियों को, वो नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा भी, चाहे STSC के अलावा हम OBC की बात कर लें, हम जनरल की भी बात कर लें, सबको, सब तक सरकार पहुंचती हुई दिखना चाहिए। सरकार ने सभी वर्गों का, सभी वर्गों का और सभी एज ग्रुप का और सभी क्षेत्रों का साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सर्वहारा वर्गों को लेकर सर्वांगीण विकास करने की अगर कोई बात करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है। नरावे जी, आप प्रदेश प्रवक्ता जयस के जी, जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन जी सर, तो कांग्रेस जो है कमलनाथ जी कहती है, कांग्रेस के जो DNA जयस है जी, सामाजिक संस्था, वो जयस को प्राय कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम है उन कार्यों में जो सूचनाएं देती, बुलाया जाता है। आप जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो जयस प्रदेश प्रवक्ता के माध्यम से आप अपना पक्ष प्रस्तुत किया आखिर तो। देखिए, अगर कार्यक्रम जो भी कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए गए हैं उसमें अगर हमें बुलाया जाता तो बिल्कुल हम लोग जाते, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली और हमें अवगत नहीं कराया गया, इसी कारण से हम लोग नहीं गए वहाँ पे। आगामी विधानसभा चुनाव है जी, 2023 नवम्बर में होना तय हो गया है जी, कांग्रेस से आप टिकट के दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? जी देखिए, ये जो चीजें जो है वो संगठन के ऊपर स्तर की, ऊपर के स्तर की ये बातचीत है। संगठन जो है वो तय करेगा कि कौन कौन सीट से कहाँ कहाँ से लड़ा जाएगा और वो जो संगठन जो आदेश करेगा वही सर्वमान्य होगा। नहीं, कांग्रेस से आप दावेदारी कर रहे हैं क्या? देखिए, ये जो बातचीत जो कर रही है वो संगठन बातचीत कर रहा है कांग्रेस से कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सीट से कांग्रेस से बातचीत होगी और इस चीज को लेकर संगठन की बातचीत कांग्रेस से चल रही है। संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व जो है उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही है और जहां पे भी निर्णय होगा वहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यदि कांग्रेस से आप टिकट मांगते हैं और यदि नहीं मिलता आपको कांग्रेस से, तो क्या जयस स्वतंत्र रूप से? देखिए, ये जो बातचीत जो है, बातचीत में ये जो हमारे संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व जो है जो बातचीत कांग्रेस के साथ में कर रहा है, और अगर बातचीत नहीं बनती है, अगर संगठन से कांग्रेस अगर ठीक कांग्रेस से जो भी बातचीत हो रही है अगर बातचीत नहीं बनती है और संगठन के अगर ऊपर से अगर हमें आदेश आएगा तो हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। आदिवासी क्षेत्र में झाबुआ से भी एक इंटरव्यू है बाप पार्टी के जी, यानी आदिवासी जो जो है आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के नाम से बाप पार्टी जो है जी, उनसे भी कोई आपको ऑफर या सूचना मिले उनसे आदिवासी? देखिए, इस प्रकार की कई सारी पार्टियां बनती रहती है, पहले भी कई सारी पार्टियां बनी थी, लेकिन इस प्रकार की पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जयस अपना काम कर रहा है, जयस के जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है, उसको लेके जयस हमेशा निरंतर जो है निचले स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की पार्टियों से ना ही हमारी कोई बातचीत है और ना ही हम लोग बातचीत करने का कोई सोच रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की पार्टियां हर जब भी कोई चुनाव आता है इस प्रकार की पार्टियां बनती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस प्रकार से मतलब कांग्रेस की मीटिंगों में अभी जयस को नहीं बुलाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं को, तो इसको किस प्रकार से जयस देख रही है? देखिए, अगर हमें अवगत कराया जाता है तो हम लोग बिल्कुल जाते, लेकिन अगर उनके किसी कारणवश अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो इस कारण से हम लोग नहीं गए हैं, बस यही है। आप लगातार सक्रिय जयस के जो जमीन स्तर पर, अगला जो चरण क्या चल रहा है जमीन स्तर पर आपका और क्या कार्य में चल रहा है? देखिए, अभी तो हमारे पास बड़े स्तर पे हजारों की तादाद में जो है वो भाजपा के जो कार्यकर्ता जो वो हम लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और दूसरी भी जो पार्टियां हैं जो निष्क्रिय हो चुकी है उनके भी कार्यकर्ता जो है वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग हमारे जो निचले स्तर पे जो भी समस्याएं होती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डूब प्रभावित जो थे उनके सहायता के लिए हम लोगों ने वहां पे काम किया, उनके जो सामान जो घरों के अंदर रखा हुआ था वो हम लोगों ने हमारी टीम के साथ माध्यम से वो सभी सामान जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शाम को जाके उनसे भोजन का भी पूछा, भोजन की व्यवस्था वहां पे सरपंचों के माध्यम से की गई थी, इस कारण से हम लोगों ने उसके लिए हमने जो भोजन की व्यवस्था कराने वाले थे वो हमने रोक दिया उसको, क्योंकि वहां पे व्यवस्था हो गई थी। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग सभी कर रहे हैं। डूब प्रभावित में कुल कितना नुकसान आप आकलन करते हैं बड़वानी विधानसभा के अंदर? देखिए, इसको लेके अभी कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये है कि अगर टाइम पे अगर प्रशासन की तरफ से अगर उन्हें अलर्ट कराया गया होता या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मुआवजा जो है, मुआवजा अगर सही मायने में अगर पहले से ही दिया गया होता, जिनके घर जो डूबे हैं अगर उनको अगर सही मायने में मुआवजा मिला होता और अगर प्रशासन वहां पे काम किया होता, अगर रात्रि के समय में अगर प्रशासन के लोग वहां पे गए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। अभी के समय में भी कलेक्ट्रेट में हमारा जो घेराव है वो जारी है, मिच्छुराम करके जो एक व्यक्ति था जो पिछोड़ी में वहां निवासी था वो मिला नहीं था और अभी मिला है, उसकी डेड बॉडी मिली है, इसी कारण से हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। बीच में तीन हफ्ते हो रहे हैं। ओ, बीच में तीन हफ्ते।
पूरा सिल्की जान दो।